अल्पुया वाले सारे भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं, शोभा जी के नाम के सामने जो कमल के निशान है उस पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। केरल नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और केरल के मछुआरा भाई भी नरेंद्र मोदी के साथ आगे। भाई और बहनों, केरल के कोने कोने से केरल की संस्कृति और केरल की विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। केरल के भाइयों बहनों, केरल में तीन खेमे पड़े हुए हैं, एक कम्युनिस्टों का, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का और तीसरा एनडीए का खेमा हुए। भाई और बहनों, दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, देश में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। ये चुनाव में शोभा जी को सांसद बनाने के साथ साथ कई सारे काम होने वाले हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव शोभा जी के सांसद बनते ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। ये चुनाव भारत को दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का चुनाव। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ये चुनाव एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी तीनों फील्ड में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान को सफल करने का चुनाव है और ये चुनाव केरल को हिंसा से मुक्त करने का भी चुनाव है। ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस अब पूरा एक्सपोज हो चुका है। इंडी अलायंस के 2 घटक कम्युनिस्ट और कांग्रेस दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना केरल वालों। मुझे बताओ भाइयों, पीएफआई पर बैन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? पीएफआई നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ പറയൂ। जरा जोर से बोलो, पीएफआई पर बैन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? पीएफआई നിരോധിച്ചത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാൻ। ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पीएफआई का समर्थन लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी, एसडीपीआई ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और कम्युनिस्ट पार्टी भी पीएफआई के बैन पर मौन है। मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। पीएफआई के त्रास से नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। भाइयों, सुरक्षित करना चाहते हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? कश्मीर नम्र दानो अलियो। जोर से बोलिए, है या नहीं है? उरक्के पर यदे। कांग्रेस के नेता कहते हैं केरल और कश्मीर का क्या लेन देन। खड़गे साहब, मैं बताता हूं, न केवल केरल, देश का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार। भाइयों और बहनों, आर्टिकल 370 को कांग्रेस ने 70 साल तक संभाल कर रखा, नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए
भारत का हिस्सा बनाने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से सुरक्षित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को गरीबी हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में लगभग गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और अल्पुया में ही केवल अल्पुया में 6,40,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सिर्फ अल्पुया में 360 करोड़ और 201 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी अर्बन डेवलपमेंट की अमरूद की लेकर आए हैं। पीएम किसान 2,40,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया का चेक नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,70,000 गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और सैकड़ों मछुआरों को मत्स्य संपदा योजना का फायदा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अल्पुया वालों, मैं एक मोदी गारंटी कहने आया हूं। यहां पर नारियल जटा उद्योग, काठी उद्योग बहुत बड़ा है, मगर चीन की सस्ती वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कारण नारियल जटा उद्योग मृत प्राय हुआ है। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, नारियल जटा उद्योग के लिए हम स्पेशल पैकेज लेकर यहां उसको मजबूत करने का काम करेंगे। कम्युनिस्टों के शासन में, कांग्रेस के शासन में केरल में टेररिज्म को पनाह देने का काम किया है। माइनॉरिटी वोट बैंक के चक्कर में पीएफआई का समर्थन करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने किया है। 2021 में हमारे कार्यकर्ता रंजीत श्रीनिवासन के, उनको परिवार के सामने ही 56 गांव लगाकर हत्या करने का काम एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों ने किया है। आरएसएस के मुख्य शिक्षक नंदू की भी हत्या 2021 में टेररिस्ट संगठनों ने की है। भाई और बहनों, मैं केरल की जनता को कहकर जाना चाहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पीएफआई जैसे संगठन बैन ही रहेंगे, उसको कोई चालू नहीं कर सकता। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट किसान विरोधी पार्टियां हैं। 2014-15 में धान की एमएसपी 1310 रुपया थी, वो मोदी जी ने बढ़ाकर 1310 से इंक्रीज करकर 2183 एमएसपी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, कोऑपरेटिव सेक्टर छोटे लोगों का सेक्टर है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम और इसमें लूट करकर कोऑपरेटिव की भावनाओं पर बड़ा हमला किया है। मैं आपको केरल वालों बताकर जाता हूं, ईडी इसकी जांच कर रही है। करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक का एक एक पैसा इसके डिपॉजिटर के पास वापिस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। सीपीएम और कांग्रेस
दोनों एक कोऑपरेटिव घोटाले के लिए चुप्पी साधे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको दंड देने का काम करेगी। एक और तो सीपीएम कह रही है भारत एटॉमिक पावर नहीं रहेगा। मैं सीपीएम के आकाओं से कहना चाहता हूं, पहले आप जहां जहां कम्युनिस्ट शासन है वहां कहिए कि एटॉमिक पावर न रहे। भारत मोदी जी के नेतृत्व में, पहले अटल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में एटॉमिक पावर बना है और ये बना रहेगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। एक और तो वो एटॉमिक पावर बनने का विरोध करते हैं और दूसरी ओर एटॉमिक मिनरल ब्लैक सैंड का इलीगल माइनिंग करकर विदेशों में बेचने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी करती है। भाई और बहनों, ये ब्लैक सैंड माइनिंग के स्कैम में कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता शामिल। ढेर सारे स्कैम में मुख्यमंत्री के परिवारजन और इनकी ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट आया है, परंतु पारदर्शिता की बात करने वाली एक कम्युनिस्ट पार्टी अपने मुख्यमंत्री पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अल्पुया में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों पार्टियों को एंटी नेशनल संगठनों का समर्थन प्राप्त है। देखिए, सीपीएम को पीडीपी का समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस को एसडीपीआई का समर्थन प्राप्त। देखिए, वेलफेयर पार्टी भी कांग्रेस का समर्थन कर रही है जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अल्पुया वालों, आपको तय करना है किस प्रकार के प्रत्याशी को वोट देना है। मैं हमारी बहन शोभा की गारंटी देता हूं, अंतिम सांस तक भारत को एकजुट रखने का काम शोभा बहन करेगी। भाई और बहनों, केरल में हमारे मछुआरा भाई बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। केरल में 2,17,000 मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड देकर उनको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में सिर्फ केरल में 260 करोड़ रुपया 260 करोड़ रुपीस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में केरल को 444 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, केरल और देश को केवल और केवल मोदी जी सुरक्षित रख सकते हैं। केरल और देश का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और महान भारत केवल नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ही बना सकती है। अंत में मोदी जी के हाथ